फ्रेंड मैं मंजू स्पीकिंग सी जी मास्टर बुक डॉट कॉम की तरफ से। अब फ्रेंड हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट फर्स्ट जो है बाइक की रीडिंग से कि हम किस तरीके से जो है एक नॉर्मल रिक करते हैं। तो चलते हैं सेलेक्ट करते हैं उसको और उसको डिलीट करते हैं सेलेक्ट करके शिफ्ट ए से। ठीक है हमारे पास जो है बेसिकली हम इसकी बाइक की जो रीड है वो करेंगे अपने आर्मेचर सिंगल वॉल। ठीक है एंड आया और इसको सेलेक्ट किया एडिट मोड में, एडिट मोड एंड इसको रोटेट किया यही एक्स एक्सिस 180 और एक्स एक्सिस 180 फिर मूव कराया इसको जी ओके एंड ये वाला पार्ट है हम इसको यहाँ लाते हैं एंड ये एक्स टू मूव फिर एक्स टू फिर एक्स टू। ठीक है तो इसको हम नाम को जो है रिनेम कर लेते हैं अपने। ये है हमारे पास एडिट मोड सेलेक्ट बोन है हमारी तो हमारी फर्स्ट बोन जो है इसका नाम देते हैं हम लेफ्ट लेग अपर। ठीक है लेफ्ट लेग अपर एंड ये है हमारे पास ये है लेफ्ट लेग लोअर एंड ये हमारे पास इसका नाम देते हैं हम लेफ्ट फुट एंड ये हमारे पास टॉय। ठीक है एंड इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा हम यहाँ आए साइड व्यू से शिफ्ट के साथ ठीक है तो ये हमारे पास एक सेट का बन गया। इसी तरीके से हम आते हैं अपने यहाँ एक बोन को पकड़ते हैं शिफ्ट डी चाहो तो इस तरीके से ले लो चाहो तो आप यहाँ पर दूसरी एक वो भी कर सकते हो क्रिएट। तो यहाँ से मैंने लिया एक्सिस अपना एक्स 180 ठीक है एंड इसको मूव कराया यहाँ के लिए मूव फिर एक्स टू एक्स टू एक्स टू एंड एक्स टू फिर एक्स टू एक्स टू। ठीक है तो ये हमारी हेड की बॉन तो हम यहाँ लेते हैं अपना हेड ये हमारा नेक ठीक है ये हमारा है रूट बोन ये हमारा है स्पाइन वन एंड ये स्पाइन टू सॉरी थ्री हो गया टू। तो यहाँ से हम ओपन कर देखते हैं ये आया हमने क्या करा सेलेक्ट किया इसको अपना वन एंड मूव बिल्कुल बीचों बीच में लेके आते हैं
तो यहाँ से हमारा जो है वो वाला पार्ट भी बन गया। अब हमें बनाना है फ्रेंड हैंड का पार्ट अपने। तो पहले आते हैं अपने वायर फ्रेम में एंड यहाँ शिफ्ट के साथ क्लिक करते हैं, शिफ्ट सॉरी ऑब्जेक्ट मोड को, इसको बाउंड को सेलेक्ट करो, एडिट मोड शिफ्ट एंड मूव 3 सेलेक्ट एंड मूव। फिर इसको इसलिए कर दें सिपरी डुप्लीकेट मूव फिर H2 7 इस तरीके से थोड़ा सा पीछे मूव फिर X2 एक्स एक्सिस फिर शिफ्ट के साथ में से हम सेलेक्ट करते हैं शिफ्ट D सॉरी मूव इस तरीके एंड सेलेक्ट राइट के लिए पहले ही सभी पे लगा लेते हैं शिफ्ट डी डुप्लीकेट एंड अटैच इस तरीके से शिफ्ट डी एंड इसको भी थोड़ा सा बाहर शिफ्ट डी इसको भी थोड़ा सा नीचे ठीक है शिफ्ट डी डुप्लीकेट यहाँ से डीए 7 1 मूव ठीक है 7 सेलेक्ट ऑल्ट पी क्लियर करेंट शिफ्ट आर एंड शिफ्ट आर ठीक है फिर राइट क्लिक सब डिवीजन 1 2 3 ठीक है एंड सेलेक्ट शिफ्ट आर राइट क्लिक 1 एंड 2 ठीक है ओके एक्चुअली इस पे भी ज़्यादा होगा गलत है शिफ्ट के साथ राइट के लिए सब डिवीजन 3 ठीक है सिलेक्ट राइट के लिए 3 राइट के लिए सिलेक्ट राइट के लिए ओके एंड सिलेक्ट करते हैं अपने इस वाले पार्ट के लिए चाइल्ड एंड पेरेंट कंट्रोल पी कीप ऑफ साइट सेलेक्ट ठीक है कंट्रोल पी कीप ऑफ साइट सेलेक्ट शिफ्ट आर सेलेक्ट एंड शिफ्ट आर एक्सक्यूज मी सेलेक्ट ये हमारी लेफ्ट हैंड हाँ ठीक है इसको कॉपी कर लेते हैं और सेलेक्ट करके लोअर
आर, ठीक है, एंटर। एंड जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये है हैंड, तो यहाँ है चेन, एच ए एन, हैंड, तो ये कौन सा है, लेफ्ट है हमारा, लेफ्ट हैंड, ठीक है। फिर हमारे पास जो बोन है वो है ये पिंकी, ठीक है, लेफ्ट है ये, कंट्रोल सी, एंड ये कंट्रोल बी, टू, एंड ये स्लैश थ्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ है सिलेक्ट, ये है रिंग, लेफ्ट रिंग वन, कॉपी, एंटर, टू, एंटर, थ्री, एंटर। फिर ये हमारे पास मिड, लेफ्ट, मिड वन, सिलेक्ट टू, थ्री, ठीक है। ये इंडेक्स है हमारी, तो हम यहाँ देते हैं इंडेक्स वन, लेफ्ट है तो यहाँ नाम देते हैं लेफ्ट इंडेक्स वन, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, टू, ये है थ्री, सिलेक्ट शिफ्ट के साथ एंड वी थ्री, ठीक है। तो हमारे पास जो है बेसिक बेसिक हमारा तैयार हो गया, सब कुछ चेक कर लेते हैं हुआ, ओके, ठीक है, बढ़िया। अब हमारे लिए करना है, हमारे पास ये बचा शोल्डर, तो ये हमारा लेफ्ट, शोल्डर, एंटर, ठीक है। अब हमें करना है फ्रेंड, सेलेक्ट करना है अपने जो हमारे पास 3D कर्सर है, हमें इसको मिरर करना होगा इस साइड के लिए, तो हम यहाँ करते हैं वन एंड शिफ्ट एस, सॉरी शिफ्ट एस, कर्सर टू वर्ड, तो हमारे यहाँ वर्ड में आ गया, ये थोड़ा सा मिशन है, मिस है, तो हम यहाँ शिफ्ट के साथ क्लिक करते हैं, सॉरी यहाँ आते हैं अपने ऑब्जेक्ट मोड से वापस शिफ्ट के साथ, ठीक है, आ गया। अब सेलेक्ट करते हैं हम अपने ऊपर वाली बोन के लिए, जो हमारे पास ये बोन्स है, यहाँ शिफ्ट के साथ ये एंड ये, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको रोटेट, वो शिफ्ट डी डुप्लीकेट, ठीक है, डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर एस, सॉरी यहाँ पर पहले आते हैं हम चेंज करते हैं 3D कर्सर, क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंगली इसको मिरर करेंगे, एस एक्स नेगेटिव वन, तो ये हमारा हो गया। फिर वापस चलते हैं एंड आते हैं, फिर हमें करना है फ्रेंड कि जो हमारे पास बना हुआ है ये वाला पार्ट, सिलेक्ट ठीक है, फिर हमें क्या करना है, इस पर वेट देना है, तो सेलेक्ट करना है अपने बॉस, इसको मैच के लिए शिफ्ट के साथ, फिर बॉन्ड, कंट्रोल पी एंड ऑटोमेटिक वेट, ठीक है। तो उससे पहले हमें चाइल्ड पेरेंट करना होगा यहाँ, तो हम थोड़ी देर के लिए इसको ऑफ कर लेते हैं, सिलेक्ट एडिट मोड,
सिलेक्ट ठीक है चाइल्ड एंड पेरेंट, कंट्रोल पी कीप ऑफ साइट, ऊपर वाला नहीं नीचे वाला, सब कंट्रोल पी कीप ऑफ साइट, सिलेक्ट कीप ऑफ साइट एंड इसके साथ ये सेट कीप ऑफ साइट चाइल्ड पेरेंट कंट्रोल पी ठीक है। उसी तरीके से हमें यहाँ पर करना होगा, तो यहाँ से अपना डुप्लीकेट एक निकाल दें एंड आर एक्स एक्सिस 180, तो ये 3D कर्सर के हिसाब से चेंज हो गया। हमें यहाँ चेंज करना होगा बाउंड्री बॉक्स आर एक्स 180 ठीक है। तो हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं, ये हमारा है रूट और ये रूट वन। चाहे आप चलो रूट वन कर देते हैं ओके। फिर ये जो वाला पार्ट है हम इसको इसके साथ अटैच कराते हैं, चाइल्ड पेरेंट कंट्रोल पी, चाइल्ड पेरेंट कंट्रोल पी ठीक है। एंड यहाँ से जो है हमारा ये वाला पार्ट काम करेगा ठीक है। एंड ये वाला चाइल्ड पेरेंट कंट्रोल पी ठीक है। फिर वापस आते हैं अपने पोज मोड में और चेक करते हैं ठीक है। एंड ये वाला पार्ट ठीक, तो सेव कर लेते हैं इसको। और फिर हमारे लिए एक ग्लोबल कंट्रोलर चाहिए होगा, यहाँ हम उसको बाद में ले लेंगे ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।